हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। टुडे इट्स 11th of September 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आप सबका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो 11 ऐसी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने इनकी हेडलाइंस रखी हुई है। सबसे पहला हेडलाइन हमारा पोलैरिस डॉन मिशन का है। इसके साथ साथ नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड, 5,000 साइबर कमांडोज, ये सब और ये तीन आर्टिकल्स और इसके साथ साथ 4 पॉइंट प्रिंसिपल फॉर रशिया यूक्रेन, मॉन्टी लुकास्ट ड्रग अब्यूज और ये तीन आर्टिकल्स जो लास्ट में है, ये सारे आर्टिकल्स हमारे प्रीलिम्स से रिलेटेड है। इसके साथ हमें देखना है जो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड इंडिया का 4 पॉइंट प्रोग्राम है, 4 पॉइंट जो जयशंकर जी ने अभी बताया है, 4 पॉइंट्स कि हम यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसको देखेंगे। और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे जो ANI का डेफिमेशन केस है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चाइना अफ्रीका की जो अभी समिट हुई थी, फोरम फॉर चाइना एंड अफ्रीका, इसका आउटकम देखेंगे, इस समिट से क्या क्या मिला है। और UAE की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है आज, ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे। यूएई और इंडिया के रिलेशंस, जो वहाँ के अभी क्राउन प्रिंस आए थे यहाँ पे, जायद अल नाहयान, उनके फादर और उनके फादर, तो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड देन चाइल्ड, अब ये तीनों जनरेशन हमारे इंडिया के साथ, हमारे भारत के साथ कैसे रिलेशंस को डेवलप कर रहे हैं, तीनों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन विद अ रियली सनी कोट, ऑल्दो इट्स नॉट सनी आउटसाइड इन दिल्ली, इट्स द वेदर इन दिल्ली इज काइंड ऑफ क्लाउडी, बट नॉट लेटिंग द क्लाउड्स ऑन योर लाइफ ग्रो डार्कर, आई वॉन्ट यू टू लाइट अप योर लाइफ, और रोशनी के साथ साथ आप अपनी लाइफ में ये भी लाओ कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल के साथ स्ट्रेंथ लेके आओ, क्योंकि जितना इंसान ज्यादा स्ट्रगल करता है उतना ही इंसान ज्यादा रेजिलियंट बनता है और उतनी ही उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा मुहावरा बोला जाता है कि जितना लोहार लोहे को पीटता है उतना ही लोहा अच्छा बनता जाता है, उतनी ही उसकी जो शेप है, जो डिजाइन है, वो लेने की क्षमता ज्यादा अच्छी हो जाती है। जितना वो लोहा ज्यादा मार खाएगा उतना ही ज्यादा निखर के सामने आएगा, ठीक है। इसीलिए आपकी लाइफ में जो आज के स्ट्रगल्स हैं, जो आप डेली लाइफ में फेस कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, आपके फैमिली के स्ट्रगल हो, आपकी पर्सनल लेवल पे स्ट्रगल्स हो, ये सारे स्ट्रगल्स एक ना एक टाइम पे आपके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बिल्ड करते जा रहे हैं, ताकि अगर आपने आज एक छोटी प्रॉब्लम को डील किया तो कल आप बड़ी प्रॉब्लम को डील करो, और आपके पास पहले ही आपका इम्यून सिस्टम, आपका स्ट्रेंथ सिस्टम, आपका पर्सनल सपोर्ट सिस्टम इतना डेवलप हो गया हो कि आपको अगली बिगर प्रॉब्लम के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर डेली स्ट्रगल्स, रादर फोकस ऑन वट इज इट गिविंग टू यू, इट्स एडिंग इन योर स्ट्रेंथ, इट्स एडिंग इन योर पर्सनल सपोर्ट सिस्टम। तो फाइट, फेस दीज स्ट्रगल्स विद अ स्माइलिंग फेस ऑलवेज, कि ठीक है मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मैं इसको फेस करूंगा और अच्छे से फेस करूंगा, स्माइल के साथ फेस करूंगा, और जब यह स्ट्रगल खत्म हो जाएगी आई विल ऑफर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स इट। विद दिस पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिज्म नोट, और पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक नोट, वी विल बिगिन द डिस्कशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे। पेपर का डिस्कशन करने से पहले मेरा ये ट्रेडिशन रहा है इस सीरीज में दैट हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का PYQ डिस्कस करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज तक यूपीएससी ने हर प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वॉल्केनिक इरप्शन से या कार्बन डाइऑक्साइड या व्हीकल के एमिशन से, किसी भी एमिशन से कितने पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है।
पॉल्यूटेंट्स की एक लिस्ट दी जाती है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक बार तो एमसीक्यू में सात भी आए थे स्टेटमेंट्स ऐसे ऑप्शंस, ठीक है। हमेशा ये देखने को मिला है 99% ऑफ द टाइम्स के ऑल द फोर आर करेक्ट। वाई सो? बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब वॉल्केनिक इरप्शन में कितनी सारी चीजें बाहर आती है, उन सारी चीजों को अगर अगर आप कैलकुलेट करोगे, रिसर्च करोगे, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे चार चीजें लिखी हुई है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऐश, डस्ट, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। क्या ये सारी चीजें निकलती है? हाँ, सारी चीजें निकलती है। इस अप्रोच को हम बोलते हैं इंक्लूसिव अप्रोच। अपनी ईटी की क्लास में मैं ये अच्छे से समझाता हूं कि ये सारी चीजें करेक्ट कैसे होती है। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इट सेज दैट वॉल्केनो इज अ प्लेस जहां से गैसेस, एशेस, मोल्टन रॉक, रावा, लावा सारी चीजें बाहर आती है। एस्थेनोस्फेयर से ये चीजें निकलती है और बाहर आती है। द मटीरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, और ये मैग्मा जब बाहर आता है तो ये लावा बन जाता है। ये लावा फ्लो होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, शील्ड वॉल्केनोज ये बनाता है, ठीक है। आपने और भी इसमें लैंड फॉर्म्स पढ़े होंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स कितने होते हैं और कितने आपको याद है। लेट्स रिकॉल इट इन द कमेंट सेक्शन। बिगिनिंग विद द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे, इट टॉक्स अबाउट द चाइना अफ्रीका समिट। ये आर्टिकल लिखा है राजीव भाटिया जी ने, हु इज करंटली अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द गेट हाउस, प्लस ही हैज बीन एन इंडियन हाई कमिश्नर टू साउथ अफ्रीका, केन्या, लेसोथो, एंड ही हैज बीन एन ऑथर ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉराइजन्स 2022। इनकी एक बुक है जो इनने खुद लिखी है। अब इतना डिस्टिंग्विश्ड फिगर अगर ये आर्टिकल लिख रहा है, तो इस आर्टिकल में हमारे लिए जरूरी ऐसी चीज होगी जो हम अपने आंसर्स में कोट करेंगे, ठीक है। अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो चाइना और अफ्रीका की जो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज चाइना इज सीइंग इट एज अ न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन एंड अफ्रीका इज प्रोमिनेंटली फिगरिंग इन चाइनाज वर्ल्ड व्यू एंड चाइनाज फॉरेन पॉलिसी। इसी को लेके चाइना और अफ्रीका ने एक फोरम बनाया था। फोरम का नाम क्या है? फोरम का नाम सिंपल है, दी फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। दी फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। दिस फोरम केम इन टू ऑरिजन एंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2000, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश टू फॉर्मलाइज द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड अफ्रीकन नेशंस। इस फोरम की समिट हर 3 साल में एक बार होती है। ये चीजें याद रखनी है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है। और इसका होस्ट या तो चाइना होगा या तो कोई अफ्रीकन मेंबर होगा, ठीक है। इस फोरम में करंटली देर आर 53 अफ्रीकन नेशंस हु आर मेंबर्स ऑफ दिस। द एंटायर कॉन्टिनेंट देर फोर इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्सेप्शन इज जो कंट्रीज इस फोरम के मेंबर नहीं है, ये चीजें हमें याद रखनी है। वन इज एस्वातिनी, विच हैज डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान अगेंस्ट बीजिंग्स वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। एस्वातिनी इस फोरम का पार्ट नहीं है। द अफ्रीकन यूनियन कमीशन, द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक टास्ट विद एंश्योरिंग द कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस इट्स मेंबर कंट्रीज इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अफ्रीकन यूनियन कमीशन, ये भी इसका मेंबर है। इस साल जो फोरम का समिट हुआ है, इसका थीम था ज्वाइनिंग
hands to advance modernization and build a high level China Africa community with a shared future. ये इसका थीम रहा है इस साल जो ये करंट समिट है. दिस इज डीलिंग विद स्टेट गवर्नेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन. लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर इन दिस फोरम. सबसे पहली चीज जो ये प्लेटफॉर्म है, इट्स फॉर पार्टनरशिप. और 20th सेंचुरी में ये चाइना ने इसका फाउंडेशन रखा हुआ था. बीजिंग ने इस समिट को 2000 में स्टार्ट किया था, 2000s, एंड दीज कॉन्फ्रेंसेज हैव बीन हेल्ड इन इथियोपिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एंड सेनेगल टिल डेट. आज की जो समिट थी, इट वॉज 9th मिनिस्टीरियल समिट, एंड दिस समिट कन्फर्म्स चाइनाज कंसिस्टेंसी विद कि ये अफ्रीका को कितना ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं. दिस इज द कंसिस्टेंसी लेवल विच चाइना इज शोइंग हेयर. द की एलिमेंट्स ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन जो इस समिट के बाद इन्होंने डिक्लेरेशन इशू किया है, उस डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है. क्योंकि मैंने बोला एम और गोल या थीम इस ऑर्गेनाइजेशन की समिट का इस साल ही था, शेयर्ड फ्यूचर. तो इन्होंने बोला दैट देर इज अ डिक्लेरेशन विच हाईलाइट्स China Africa community with a shared future. Synergy between China and Africa in terms of China's Belt and Road Initiative plus African Union ka agenda 2063 aur United Nations ka agenda for sustainable development 2030. Is forum mein ye cheeze discuss ki gayi ki ye teeno agendas ko hum synergize karenge aur ek saath inke targets ko achieve karenge. Is forum mein ग्लोबल इनिशिएटिव्स के नाम पे बोला गया दैट देयर विल बी अ ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव व्हिच विल बी टेकन इन दिस समिट. फोर्थ वाज टू रिव्यू एंड आउटलुक द फॉर्मेशन एंड न्यू पैराडाइम्स ऑफ FOCAC कि जो ये फोरम है हमारा, फोरम ऑफ चाइनास द कम्युनिटी ऑफ चाइना एंड अफ्रीका. ठीक है, इस फोरम के नए पैराडाइम्स क्या हो सकते हैं वो उनको भी हम डिसाइफर करेंगे, उनको भी हम डिस्कवर करेंगे. नाउ हाउ विल वी एक्सपैंड द एक्सचेंजेस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स. पहली चीज गवर्नेंस एंड मॉडर्नाइजेशन, सेकंड इज इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबल गवर्नेंस. चाइना और अफ्रीका का यहाँ पे कहना है कि हम दोनों लोग क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और पॉवर्टी रिडक्शन करेंगे अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को और अपनी कंट्री को. प्लस वी विल टेक ऑन टू दोज मेजर्स जिससे हम दोनों कंट्रीज बेनिफिट में रहे, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हम दोनों कंट्रीज को मिल पाए. चाइना ऑल्सो सपोर्ट्स अफ्रीका इन इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रोल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस. मतलब क्या है कि अफ्रीका अपनी प्रेजेंस कैसे बढ़ाए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे यूनाइटेड नेशंस, UNSC, WTO, वहां पे अफ्रीका की बात कैसे ज्यादा ऊंची हो जाए, बिकॉज चाइना वांट्स मोर पार्टनर्स इन इट्स फेवर. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. इस चीज में एक और चीज डिस्कस हुई है यहां पे, दैट इज फाइनेंसिंग एंड डेट ट्रीटमेंट. पहली चीज जो यहां पे डिस्कस हुई है दैट वी विल ब्रिंग इन सिनर्जी बिटवीन द डेवलपमेंटल प्लान्स. जो मैंने पहले भी बोला, डेवलपमेंटल प्लान्स में चाइना ने बोला दैट जो चाइना का मेन प्रोजेक्ट है दैट इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जो अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट में एक प्रोजेक्ट चला रहा है, इसको डेवलप करने की बात की जा रही है, इसको और ज्यादा जो है प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है. एंड चाइना ऑलरेडी हैज एक्सप्रेस्ड इट्स रेडीनेस to sign a framework agreement for economic partnership with Africa. Plus, China ne bola jitna bhi Africa ka debt hai, theek hai, debt treatment of African countries will be taken into consideration.
There is a three flagship plans. There are three flagship plans. One is GDI, Global Development Initiative, Global Security Initiative एंड ग्लोबल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, जो चाइना लेके आ रहा है कहाँ पे, अफ्रीका को लेके, जो इस समिट में डिक्लेयर हुआ है और जो इस समिट में फाइनलाइज हुई है चीजें। इसके बाद चाइनाज कमिटमेंट टू अफ्रीका सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। चाइना ने बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीस ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। चाइना सपोर्ट्स यूएन फंडिंग फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट एंड पीस ऑपरेशन। चाइना ने बोला काउंटर टेररिज्म में हम काम करेंगे, जो अफ्रीका में काउंटर टेररिज्म वाले मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें हमारा सपोर्ट होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी हम इम्प्रोवाइज करेंगे, क्योंकि सोमालिया एंड जो हॉर्न ऑफ सोमालिया है उस रीजन में बहुत ज़्यादा पायरेसी के इश्यूज़ है, ठीक है, पायरेट्स के इश्यूज़ है, और हमने पूरा साल 2024 का साल देखा कि वहाँ पे जो है हाउतीज और जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स है उनकी दिक्कत रही, और बहुत सारे शिप्स को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। देर वेर कल्चरल डायलॉग्स ऑल्सो अबाउट ज्वाइंट डिक्लेरेशन एंड डीपनिंग द डायलॉग ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिटवीन अफ्रीका एंड चाइना। लास्टली, चाइना अफ्रीका को कैसे देखता है। चाइना इज ऑफरिंग एन ऑल्टरनेट पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, दैट इज चाइनीज पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अफ्रीकन व्यू अगर आप देखो तो अफ्रीका रिकोगनाइज द बेनिफिट्स एंड रिस्क बोथ, क्योंकि चाइना के साथ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, सांप के साथ दोस्ती करना। जैसे ये श्रीलंका, पाकिस्तान या बाकी सारी कंट्रीज को निगल गया, वैसे ही अफ्रीका को भी निगल जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ड्रैगन, ठीक। उसके साथ अमेरिकन परस्पेक्टिव क्या है इस चीज को लेके, चाइनीज चाइनीज इंटरेस्ट इन डेवलपिंग वर्ल्ड इज शेप्ड बाई जी जिनपिंग, हिज एंटी अमेरिकनिज्म, ठीक है। अगर चाइना कहीं पे भी जा रहा है, पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहला जो चाइना का गोल होता है वो है एंटी अमेरिका, एंटी यूएसए। देयरफॉर चाइना वांट्स टू काउंटर द यूएस ग्लोबल अलायंस। इसीलिए अमेरिका का ये परसेप्शन है कि चाइना जो अफ्रीका में स्टेप्स ले रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट्स को हैम्पर करने वाले हैं। यूरोप का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके, चाइनाज रोल इन अफ्रीका शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स, रादर इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। क्या बोला है यूरोपियन यूनियन ने और यूरोपियन कंट्रीज ने, दैट दी इंटरैक्शंस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड रॉन्गली। फर्दर लास्ट में वी नीड टू ऑल्सो डिस्कस दैट वट आर द की टेक अवेज फॉर इंडिया, इंडिया को यहां से क्या सीख मिल सकती है एफओसीएसी से। पहला, कि इंडिया को अपनी एंगेजमेंट्स में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस कम नहीं होने चाहिए। ग्रोथ कॉरिडोर ऑलरेडी हमारा वहां पे लॉन्च्ड है। फाइनेंशियल जेनरोसिटी, इंडिया को क्रेडिट लाइंस थोड़ी और बढ़ानी पड़ेंगी, और क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ही चल रहा है। अफ्रीका एक ऐसा नेशन है जो हमारे क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को डिस्कस किया गया था लास्ट वीक के एक एडिटोरियल में, जो हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, दैट क्रिटिकल मिनरल मिशन ऑफ इंडिया, हाउ कैन इट बी हेल्प बाय अफ्रीका, हाउ कैन वी बेट ऑन अफ्रीका ऑन दिस मिशन। इसके साथ हमें ये भी देखना है दैट इंडिया का पॉलिटिकल व्यू एंड पॉलिटिकल विल, इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल टू एक्ट विद अफ्रीकनिस्ट पॉलिसी चॉइसेस, कि अफ्रीका में क्या चलेगा वही चलाना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दिस टॉक्स अबाउट इंडिया एंड यूएई रिलेशंस, इंडिया एंड यूएई रिलेशंस। ये रिलेशंस का बेसिक और हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 1970s में हमने सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट किए थे यूएई के साथ। रिलेशंस को स्टार्ट करने के बाद हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, 2024 तक मैं रिलेशंस को बराबर लेके आया था कल के डिस्कशन में। मैं यहाँ पे इसी में, इसी न्यूज में, इसी ये वीडियो के साथ आपको यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा कल के डिस्कशन का, आप वहां से देख लेना उसको। प्लस यहाँ पे जो ये एडिटोरियल है, ये लिखा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिनका नाम है रीम अल हाशिमी।
ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कहाँ की, यूएई की, एंड शी इज अ स्पेशल एनवॉय टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। शी हाइलाइट्स कि कैसे अभी जब क्राउन प्रिंस अबू धाबी के इंडिया आए थे, कल की डेट में 4-5 MOUs हमने देखे साइन किए हमने, जिसमें सबसे मोस्ट एमओयू वाज एमओयू ऑन सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ठीक है, अब व्हाट शी हाइलाइट्स इज कि 3 जनरेशंस आज तक इंडिया आ चुकी है। शेख जायद अल नहयान के फादर भी आए थे और उनके ग्रैंडफादर भी आए थे। तीनों लोग यहाँ आके तीन उन्होंने पौधे लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो कल क्राउन प्रिंस आए थे उन्होंने गांधी जी की मेमोरी में एक और ट्री प्लांट किया, कहाँ पे, राजघाट में। ठीक है, ट्री प्लांट करने के बाद अब ये क्या बोल रही है ऑथर, शी सेज दैट दिस मेक्स द रिलेशंस सिंबॉलिकली डीप रूटेड एंड इट शोज हाउ टू कंट्रीज आर ग्रोइंग इन देयर टाइज। देर आर मोर देन 1,000 इंडियन सिटीज फॉर एवरी इमराती सिटीजन। देर आर मोर देन 1,000 इंडियन सिटीजन फॉर एवरी इमराती सिटीजन इन यूएई। तो इसीलिए बोला जाता है कि द बेस्ट सिटी टू लिव इन आउटसाइड इंडिया इज दुबई और इज यूएई। यहाँ पे अपना अलग एक इंडिया बसा हुआ है पूरे का पूरा, इतने इंडियंस है यहाँ पे। ठीक है, 1,000 इंडियन सिटीजन है हर इमराती सिटीजन के रेशियो में वहां पे। प्लस शी ऑल्सो हाईलाइट्स दैट आवर इकोनॉमीज आर फाउंडेड ऑन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, लाइक इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर। ठीक है, बट अगर वहीं पे आप देखो तो यूएई की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर इज जस्ट 1%, इंडिया की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर इज अराउंड 18%। दैट इज हाउ शी हाईलाइट्स दैट हाउ मच वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लस वी हैव डीप कनेक्शंस एंड द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस इज डिस्टिंक्टिवनेस। दैट इज इंडिया और यूएई जो है आपस में डीप रूटेड इसीलिए है बिकॉज हमारा कनेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन है, हमारा एथनिक कनेक्शन नहीं है, हमारा कोई और कनेक्शन नहीं है, हमारा कनेक्शन ही यूनिक है। एंड शी हाईलाइट्स दैट फर्स्ट ट्रेड लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड अरेबियन गल्फ एंड इंडिया गो बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज पीपल गुड्स एंड आइडियाज क्रॉस्ड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द ओशियन। एंड शी हाईलाइट्स कि मेरे जब पेरेंट्स का टाइम था उस टाइम पे भी मैनी एमरातीज वहां से आके यहाँ आते थे इंडिया में और यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराते थे, और मैं भी अपना ट्रीटमेंट इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन से कराती थी जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अब ऐसे स्टेटमेंट्स लिखना एडिटोरियल में हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। शी ऑल्सो हाईलाइट्स दैट जो इंडिया की कम्युनिटी वहां पे है यूएई में इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी, 3.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं वहां पे यूएई में इंडियंस। द डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी सीन इन द सिंपल फैक्ट दैट देर आर मोर देन 1500 फ्लाइट्स, हर एक हफ्ते में 1500 फ्लाइट्स जाती है यूएई और इंडिया के बीच में। फेब्रुवरी 2022 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू साइन सेपा विद यूएई, पहली ऐसी कंट्री बनी इंडिया। ठीक है, आर बाइलेटरल ट्रेड हैज जंप बाय ओवर 15%, और शेख खालिद जायद अल नहयान जो यहां आए हैं उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे आके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यहाँ का आईआईटी दिल्ली है उन्होंने अबू धाबी में भी ब्रांच एक खोल दी है। ठीक है, इसके साथ हमें ये भी देखना है दैट जो क्राउन प्रिंस का यहाँ विजिट हुआ है अभी कल परसों में, उसमें भी हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, डोमेस्टिक सक्सेस स्टोरीज एंड बाकी सारे एलएनजी, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इसके साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि हमने फूड चेन, फूड प्रोसेसिंग और क्या नाम है इसका, रियल एस्टेट में भी हमने एमओयूज साइन किए हैं कल की डेट में। ठीक है, देयरफॉर इंडियाज रिसर्च इनटू न्यूक्लियर डिस्टिलेशन टू प्रोड्यूस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर व्हिच हैज ऑब्वियस इंपॉर्टेंस फॉर अ डेजर्ट कंट्री लाइक यूएई इज ऑफ मच मोर इंपॉर्टेंस।
ठीक है, इसीलिए हमारी जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छी रही है। और लास्ट में ये ऑथर, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से, वैसे ही ये एंड भी करती है इसको, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज दैट इज अमलतास ट्रीज ग्रो फास्ट, दे एम्बॉडी अपॉर्चुनिटी एंड रिन्यूअल, वाइल द स्लोअर ग्रोइंग मुलसारी पॉइंट्स अस टू द वर्चूज ऑफ स्टेबिलिटी एंड पेशेंट ट्रस्ट। यहां पे मैं आपको बता दूं, जो यहां पे दो ट्रीज की बात की जा रही है, एक है अमलतास, ठीक है, और दूसरा ये मुझे अभी दिमाग में आया कि ये चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। और एक और ट्री यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज दिस मुलसारी ट्री। ये दोनों प्लांट्स आप चेक करोगे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये कौन से प्लांट्स होते हैं, किस टाइम पे ग्रो करते हैं, एवरग्रीन है, डिसिड्यूस है, क्या है, कल को यही चीज आपके एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। फिर बोलना आप कहाँ से आ गई, यहीं से आती है प्रिलिम्स के क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द ड्रग अब्यूज इन इंडिया। ये एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें समझना होगा इंडिया में ड्रग अब्यूज कितना ज्यादा है। ऑथर्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि मॉन्टी लुकास्ट, जो कि एक ऐसा ड्रग है जो अभी बहुत ही ज्यादा ओवर द काउंटर जिसका यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। ओवर द काउंटर यूज का मतलब क्या है, आप गए किसी मेडिकल शॉप पे, वहां पे आपने बोला यार एक वो देना, एंटीबायोटिक देना, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा फीवर लग रहा है, तो उस बंदे ने आपको उठा के क्या दी, एक टैबलेट दे दी मॉन्टी लुकास्ट और बोल दिया ये लो खा लो। जबकि यहाँ ऑथर्स का बोलना है, जो कि दोनों ऑथर्स पल्मोनोलॉजिस्ट है, वेल रेड ऑथर्स है और प्रैक्टिशनर्स है, ठीक है, दोनों रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ डील करते हैं, दोनों का यहाँ पे बोलना है दैट कंटिन्यूअसली इस चीज का यूज करना, कंटिन्यूअसली मॉन्टिलुकास्ट का यूज करना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आर हेल्थ। बट हमारा यूपीएससी क्या हमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मॉन्टी लुकास्ट के यूजेस बताओ, मॉन्टी लुकास्ट के डेंजरस या साइड इफेक्ट्स बताओ? ऐसा यूपीएससी में कभी नहीं होने वाला कि वो एक ड्रग के ऊपर एक क्वेश्चन बना ले। बट यूपीएससी में ड्रग अब्यूज टॉपिक बन सकता है आपका हेल्थ से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ड्रग अब्यूज इन इंडिया। बिकॉज इफ यू सी, अगर आप देखो इंडिया में लार्ज स्केल ड्रग अब्यूज है और बहुत सारे लोग खुद ही ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं, दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के चलते रिसेंटली हमने एक रेड लाइन कैंपेन भी चलाई थी, जिसमें जितने भी एंटीबायोटिक्स थे उनके ऊपर एक रेड लाइन बनी हुई थी कि इनको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दो। मॉन्टिलुकास्ट पे भी बनाई होती है बट फिर भी दे देते हैं। देर इज वन मोर कैंपेन ऑफ FDA, दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स वार्निंग। ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग मॉन्टी लुकास्ट एंड उन मेडिसिन के ऊपर लगाई जाती है जहां हेल्थ वार्निंग देना जरूरी है कि अगर आपने इस ड्रग को ज्यादा ले लिया तो आपको सीरियस कंसर्न हो सकते हैं, ठीक है, और इसके न्यूरोसाइकियाट्रिक एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि मॉन्टी लुकास्ट के क्या प्रॉब्लम्स हैं। ड्रग अब्यूज हमारे इंडिया में क्यों है, वाई इतना ज्यादा ड्रग अब्यूज क्यों है? बिकॉज इन ऑर्डर टू एस्केप द हार्ड रियालिटीज ऑफ लाइफ व्हाट वी डू इज ज्वाइंट फैमिली से अलग हो जाते हैं, डिक्लाइन हो गया है मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज में, जिसकी वजह से ड्रग अब्यूज हो गया है इंडिया में, ठीक है। इसके साथ साथ हम ओवर द काउंटर ड्रग्स को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इजी एक्सेसिबिलिटी है, आप गए हर जगह आपको मिल जाएगा क्या, कहीं ना कहीं पे आपको मेडिसिन की शॉप मिल जाएगी, आप जाके मेडिसिन ले लोगे। आपने मेडिसिन ले ली और आप चले गए आगे, आपने ये सोचा ही नहीं कि मेरे को पेन किलर दे दिया है, मैंने पेन किलर खा लिया, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। और सेल जो इन ओटीसी कंपनीज
काउंटर्स पे होती है मेडिसिन की, वो चीप होने लगी है, क्योंकि रिसेंटली जब से हमारे यहाँ जेनेरिक मेडिसिन का चलन स्टार्ट हुआ है, जब से हमने आरोग्य सेंटर्स, आरोग्य दवाखाने खोले हैं, तब से और ज़्यादा ये चीप होने लग गए हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स बाकी सब जगहों पे। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजंस है जो यहाँ ऑथर भी हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सम थिंग्स लाइक प्रेस्क्राइबिंग मोंटी लुकास्ट फॉर मोर देन 10 डेज इज अनसाइंटिफिक इन नेचर। वैसे ही और सारे ड्रग्स को ऐसे प्रेस्क्राइब करना कंटिन्यूस यूज के लिए इज अनसाइंटिफिक इन नेचर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बस इस न्यूज में से, ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, इसमें से इतना ही याद रखना था और इसमें से इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना था। नेक्स्ट एडिटोरियल, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस। बेसिकली यहाँ पे एक केस का डिस्कशन चलेगा। पहले मैं आपको केस समझा देता हूँ, केस है क्या। केस असल में ये है, ANI हमारी एक न्यूज़ एजेंसी है और विकिपीडिया आप सब लोग को पता होगा जो गूगल करते हैं, एक फ्री रिसोर्स एनसाइक्लोपीडिया है जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आपके लिए। आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया रिकॉर्डेड फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ विकिपीडिया यूजर्स। इंडिया में 78 करोड़ यूजर्स हैं जो विकिपीडिया को यूज करते हैं। ठीक है, यूएसए लीडिंग द फर्स्ट एंड जापान फॉलोइंग यूएसए। इंडिया में 5वें नंबर पे है सबसे ज्यादा यूजर्स, सबसे ज्यादा यूजर्स विकिपीडिया के कहाँ पे है, यूएसए में। ये एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें आर्टिकल्स दिए जाते हैं। ठीक है, और इंडिया में यूजुअली हर जो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे आर्टिकल्स अवेलेबल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स उर्दू में लिखे गए हैं इंडियन लैंग्वेजेस में से विकिपीडिया के ऊपर। चलो ये डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अगर आप देखो तो उर्दू में अराउंड 2 लाख से ज़्यादा आर्टिकल्स है किस पे, विकिपीडिया के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं किस पे, विकिपीडिया पे। ठीक है, 320 लैंग्वेजेस में विकिपीडिया आर्टिकल्स लिखती है, कितने, 320 लैंग्वेजेस में। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, बट अब केस क्या है। केस ये है कि ANI ने बोला कि विकिपीडिया पे जब हम अपना नाम सर्च करते हैं, ठीक है, जब हम अपना नाम सर्च करते हैं तो विकिपीडिया पे जो लिखा होता है हमारे नाम के लिए या ANI के लिए, इट इज सेड और इट इज रिटन दैट ANI इज सपोर्टिंग गवर्नमेंट एंड इट सपोर्टिंग राइट विंग प्रोपागेंडा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, ANI बोल रही है दैट वी आर ए न्यूज एजेंसी विच इज न्यूट्रल इन इट्स स्टांस। ANI ने ये भी बोला है दैट जितना भी यहाँ पे विकिपीडिया का कंटेंट है ANI से रिलेटेड, वो सारा फॉल्स है, डेफेमेटरी है और हमारी गुडविल को टार्निश करने वाला कंटेंट है। यहाँ पे ये भी चीज लिखी जा रही है दैट ANI का जो डेटा है, ANI जो अपने रिपोर्ट्स में, ये विकिपीडिया जो अपने पेज पे ANI के बारे में लिख रहा है, वो सब चीजें दे आर फॉल्स एंड ये ANI की क्रेडिबिलिटी को खराब करने के लिए लिखी गई है। और इस चीज की वजह से अगर ANI की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है तो विकिपीडिया के ऊपर फाइन लगना चाहिए। अगर आप देखो तो इससे पहले 2001 में, यहाँ पे जो केस डिस्कस किया जा रहा है, इससे पहले भी ANI ने विकिपीडिया के अगेंस्ट में एक केस किया हुआ था एंड ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में था और इस केस में भी 2 करोड़ रुपए का डैमेज का बात किया गया था। आज की डेट में आई गेस दिस इज करंट केस जिसमें 2 करोड़ रुपए का बात किया जा रहा है, बट इससे पहले जो 2001 का केस था उसमें ये बोला गया था कि विकिपीडिया विच स्टार्टेड इन 2001 इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस द कंटेंट फॉर इट्स ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। जबकि विकिपीडिया एक ऐसी चीज है जो खुद नहीं कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है बल्कि ओपन सोर्स, नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म्स और बाकी सारे वेबसाइट से कंटेंट इकट्ठा करके डाल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन एक्ट्स इन्वॉल्व है
इट इज सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, 2000 का जो हमारा आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 1 विच सेज दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज अ मीडिया प्लेटफॉर्म विद मोर देन 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स इन इंडिया एंड द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो ये एक्ट के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 डिफाइन्स अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। ठीक है, द पेटिशनर हैज ऑल्सो रिलाइड ऑन द सेक्शन 79 ऑफ दिस एक्ट एंड सेड दैट इस एक्ट के अंदर अगर आप देखो तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो चैलेंज है वो ये है दैट 24 अगस्त 2020 को सेकेंड हेयरिंग हुई थी, इट ऑर्डर्ड जस्टिस नवीन चावला ऑर्डर्ड दैट द कंपनी हैज टू सर्व 3 ऑफ इट्स यूजर्स विद अ समन टू अपियर इन द केस एंड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दिस केस प्लस द फाउंडेशन हैज हिस्टोरिकली नॉट डन आउटसाइड ऑल्सो। यूएसए में भी इसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। यूएसए में इवन एज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ANI, उसके लॉयर ने बोला यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के पटिशन में कि यूएसए में भी विकिपीडिया के ऊपर कॉन्टेम्प्ट की एप्लीकेशंस चल रही है। प्लस दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वॉज डायरेक्टेड टू पर्सनली बी प्रेजेंट एट द नेक्स्ट हियरिंग। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ बोला है अपने जजमेंट में विकिपीडिया को कि अगर आप हमारे लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते तो हम खुद अपनी गवर्नमेंट से बोल के आपको यहां से बैन करा देंगे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, विकिपीडिया बैन हो सकता है इंडिया से या नहीं? ठीक है, हमने इसका लीगल एस्पेक्ट तो जान लिया। रशिया में अगर आप देखो इन रशिया विकिपीडिया एडिटर्स हैव बीन टारगेटेड विद अरेस्ट एंड इंटिमिडेशन बिकॉज विकिपीडिया इज वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल जहां पे सब लोग ओपनली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसी ही हालत और भी देशों में हो रही है। इससे पहले हमारे एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, उनके ऊपर भी यहाँ पे केस चला हुआ था विकिपीडिया का। ठीक है, उस टाइम पे भी यूनियन गवर्नमेंट ने इनको बहुत बोला था कि आप ये कंटेंट क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इनका जो पेज है उसको क्यों वैंडलाइज कर रहे हो। तो उसके बाद उस पेज को वापस रीइंस्टेट किया गया था। तो विकिपीडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही है। हमने जो यहाँ पे देखना था दैट वॉज IT रूल्स 2021, और हमने जो यहाँ पे देखना था कि ये केस असल में है क्या, बस इतना हमें याद रहा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस आर्टिकल मेनली टॉक्स अबाउट इंटरव्यू जिसमें जयशंकर जी और अन्ना लेना बेयरबॉक हैव मेट इन द फेडरल ऑफिस ऑफ बर्लिन, जो जर्मनी की एक ये है ऑफिशियल है, जर्मन ऑफिशियल। इन दोनों ने डिस्कशन किया रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और इस डायलॉग में ये चीज सामने आई कि रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड इंडिया क्या सोच रहा है। तो जयशंकर जी ने बोला हमारे पास 4 पॉइंट प्रिंसिपल है जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन को लेके। इनने बोला सबसे पहली चीज जो हमारे प्रिंसिपल्स में है वो ये है कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं दैट इट इज द टाइम ऑफ पीस, हमें शांति चाहिए और हम शांति के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो सेड देयर वुड बी नो सोल्यूशंस टू द वॉर इन द बैटल फील्ड, कि जब तक जंग चलेगी तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा किसका, वॉर का। प्लस इन्होंने एक और चीज बोली दैट रशिया मस्ट बी एट द टेबल। ठीक है, और इनने जो लास्ट प्रोसेस लास्ट चीज बोली लास्ट पॉइंट उनने बोला दैट इंडिया इज कंसर्न्ड एंड एंगेज्ड इन दिस वॉर टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दिस वॉर। अब बात यह है, जयशंकर जी ने ही खुद आज से एक साल पहले ये स्टेटमेंट दिया था दैट रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह यूरोप का हेडेक है।
तो यूरोप का हेडेक हम अपने सर पे ना ले, हम क्यों अपने सर पे यूरोप का हेडेक ले? ये यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बट अगर आप देखो अभी स्टेटमेंट्स में चेंज आया हुआ है, क्योंकि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ डायलॉग पार्टनर एंड इंडिया इज इमर्जिंग एज अ प्लेग्राउंड जहां पे दोनों देशों को शांति मिल सकती है, दोनों देश एक मीडिएशन पे आ सकते हैं, दोनों देश सीज फायर साइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज आ रही है कि ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे उस टाइम पे आ रहे हैं जब नेक्स्ट मंथ हमारे पास यूएन का समिट आने वाला है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है, यूएन समिट ऑफ फ्यूचर समिट का नाम है। और इसके साथ साथ इंडिया और जर्मनी दोनों आपस में पिच कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के पीस एफर्ट्स को लेके, जबकि इंडिया और जर्मनी के आपस में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड करके फिर भी इंडिया और जर्मनी जो है एक साथ एक दूसरे से कोऑपरेट करके ये चाहते हैं कि रशिया का सोल्यूशन निकल जाए। इसमें जो की पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं वो है इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड, जो जर्मनी में लोकेटेड है, जिसमें अराउंड अराउंड इंडियाज 1,25,000 इंडियंस आर देयर वर्किंग इन जर्मनी एंड 50,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन जर्मनी। तो अराउंड 1,75,000 का डायस्पोरा हमारा वैसे है जर्मनी में। प्लस इंडिया और जर्मनी ने अपना पहला जॉइंट एयर एक्सरसाइज किया था इस साल गोवा में, ठीक है, इस साल किया था, और हमारा आने वाला है गोवा में एक और एक्सरसाइज जो हमारा नेवल एक्सरसाइज होगा। तो जर्मनी के साथ हम एयर और नेवल दोनों एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हमारा बाइलेटरल ट्रेड इज अराउंड $30 बिलियन, ठीक है, एंड $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारी कहाँ से, जर्मनी से। प्लस वी ऑल्सो न्यू दिल्ली विल बी द वेन्यू फॉर एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेसेस नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने ये कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है इंडिया में, जर्मनी की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है जर्मन बिजनेस की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इंडिया और एक साइड से इंडिया और जर्मनी, और दूसरे साइड से इंडिया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स पे हमें पॉइंट्स मिल गए हैं और हमें ये पॉइंट्स याद रखने होंगे और अपने नोट्स में लिखने होंगे ताकि हम ये पॉइंट्स अपने आंसर्स में लिख पाए कल को। अब यहाँ पे एक बात की जा रही है दैट हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी को लेके इंडिया जो है बहुत ही चिंताजनक है। और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जहाँ पे कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन इसको हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट हर सिंगल इंस्टीट्यूशन की हेल्प करने के लिए 5,000 नए साइबर कमांडोज को ट्रेन करेगा, उनको डिप्लॉय करेगा और उनको एलोकेट करेगा स्टेट्स को, ताकि ये जो ट्रेन साइबर कमांडोज होंगे ये हेल्प करेंगे स्टेट्स की और सेंट्रल एजेंसीज की, ताकि वो अपनी डिजिटल स्पेस को सिक्योर बना पाए। ये चीज हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोली है। और कहाँ पे बोली है, इस टाइम पे फाउंडेशन डे चल रहा था किसका, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज I4C। इस सेंटर का एक फाउंडेशन डे होता है, ये सेंटर कब एस्टैब्लिश हुआ था उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते टाइम होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला दैट ऐसा हम लोग करने वाले हैं, दैट 5,000 जो नए साइबर कमांडोज है वो हम लेके आने वाले हैं। ये I4C है क्या असल में? दिस I4C वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई यूनियन होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एस्टैब्लिश किया था टू डील विद साइबर क्राइम इन अकॉर्डेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्रहेंसिव मैनर। I4C फोकसेस ऑन टैकलिंग द इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। इसके साथ साथ द सेंटर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये है दैट दिस सेंटर एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी, नोडल पॉइंट फॉर
ऑल द फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम, ठीक है, इट आइडेंटिफाइज एंड डज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, R&D करता है ये पूरे साइबर स्फेयर का। I4C के अंदर, I4C के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे I4C के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहली चीज यहां पे आती है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, जिसको नेशनल साइबर क्राइम ताऊ भी बोलते हैं, TAU। इट रिपोर्ट्स द थ्रेट्स पर्टेनिंग टू साइबर क्राइम। इसका दूसरा कंपोनेंट आता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां पे आप अपना 24/7 कहीं से भी कभी भी कंप्लेंट रेज कर सकते हो। नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाता है। नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, प्लस प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम। इसके साथ साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी आती है यहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सब चीजें कॉम्पोनेंट है किसके, I4C के। I4C के फाउंडेशन डे पे होम मिनिस्टर जी ने एक और चीज लॉन्च की है, जिसका नाम है दी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी सिस्टम और साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री। ये एक डेटाबेस होगा जहां पे जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, अगर वो सस्पेक्टेड है तो उनका डेटा रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि साइबर कमांडोज हमारे क्या काम करेंगे और I4C क्या है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल रिसर्च फंड। ये नेशनल रिसर्च फंड अभी रिसेंटली नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट आया था हमारा, जिसपे हमने मेंस का एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको हमने थरोली डिस्कस भी किया हुआ है लास्ट मंथ। फाउंडेशन एक्ट 2023 का ये जो एक्ट है, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। इस एक्ट ने रिप्लेस किया हमारे साइंस एंड एनर्जी, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, दैट इज सर्ब, जो ये बोर्ड था इसको रिसर्च किया। और दिस बोर्ड वाज अर्लियर एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ 2008, और अब जाके जो ये बोर्ड रिप्लेस हुआ है, इसके बदले क्या बनेगा, अब नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड, ठीक है। और अब जो ये नेशनल रिसर्च फंड NRF बनेगा, दिस विल बी द एपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियाज नेशनल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज एंटरप्राइज एंड इनोवेशन पोटेंशियल को इम्प्रोवाइज करने के लिए यह बोर्ड बना है। अब इसी बोर्ड की जो गवर्निंग बोर्ड है, जो इस फंड को गवर्न कर रही है, इस फंड को जो गवर्न कर रही है उसको गवर्निंग बोर्ड बोल रहे हैं। ये गवर्निंग बोर्ड की एक मीटिंग थी जिसको हेड किया है किसने, हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग एंड ही सेड दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द ऑब्स्टैकल्स, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द ऑब्स्टैकल्स इन दी कंट्रीज रिसर्च इकोसिस्टम, प्लस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो हमारा रिसर्च सिस्टम अभी नेस्केट स्टेज पे है, अभी बहुत ही लोअर लेवल पे है, उसको इम्प्रोवाइज कैसे करें। तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए यहाँ पे एक हब एंड स्पोक मॉडल की बात की जा रही है, जो मैं यूजुअली आपके आंसर्स में भी लिखता हूँ एज सजेशन कि आप हब एंड स्पोक मॉडल का यूज करो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे एक मेन यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारा यहाँ पे कोई IIT है, ठीक है, IIT बॉम्बे ले लो, तो इस IIT के अराउंड जितनी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है,
जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज है और वहाँ पे रिसर्च का लेवल अभी बहुत कम है, वहाँ का रिसर्च का स्तर अभी बहुत कम है, तो ये आईआईटी बॉम्बे को यूज़ किया जाएगा इनके साथ पार्टनर करने के लिए और इनको गाइड करने के लिए, इनको मेंटोर करने के लिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मेंटोरशिप देता हूँ, वैसे ही आईआईटी बॉम्बे इन सारे इंस्टीट्यूशंस को मेंटोरशिप देगा और वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ऊपर उठाएगा, ठीक है, जिससे एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल गैप जो है वो आपस में जितना बड़ा गैप था हमारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस एएनआरएफ का मेन एम है कि यहाँ पे 50,000 करोड़ का एक फंड एस्टैब्लिश करना है, जिसमें 36,000 करोड़ विल कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। याद रखना है इस गवर्निंग बोर्ड में 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इन 15 मेंबर्स को नोटिफाई करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसमें एक ही मेंबर है ऐसा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसका नाम है रोमेश वाधवानी, वाधवानी ग्रुप। ही इज एन अमेरिकन बिलियनियर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही वॉज फॉर्मर सीईओ एंड चेयरपर्सन ऑफ सिम्फनी टेक्नोलॉजी ग्रुप, ठीक है। ही इज द ओनली वन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज इन दिस बोर्ड, क्लियर। चलो आगे, लास्ट में जो कल मैंने न्यूज आर्टिकल बताया था, उसी न्यूज आर्टिकल को कंफर्म करते हुए, कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, यूके हैव अगेन कम अप विद स्लैमिंग ऑफ ईरान, और इन्होंने भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, हमें पता चला है दैट ईरान ने मिसाइल सप्लाई किए हैं रशिया को, एंड वी हैव प्रूफ्स। ऐसा यूरोपियन कंट्रीज ने बोला है कि हमारे पास प्रूफ है इस चीज का कि ईरान जो है वो सप्लाई कर रहा है मिसाइल्स किसको, रशिया को। अब देखना यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर इस चीज की वजह से कितना चेंज होगा और ट्रंप के आने के बाद ईरान पे कितने और सैंक्शंस लगेंगे। और अभी जो ये यूरोपियन पावर्स है, यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये ईरान पे कितने और सैंक्शंस लगाएंगे ये भी देखना है, ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, और नेक्स्ट ये एडिटोरियल हमारा बात कर रहा है एक ऐसे मिशन की जो स्पेस एक्स का मिशन है। स्पेस एक्स, वही स्पेस एक्स जो हमें पता है एक ही नाम से, जिसको हम जानते हैं इलॉन मस्क। स्पेस एक्स ने अपना एक मिशन लॉन्च करना चाहा और इस मिशन का नाम है पोलारिस डॉन मिशन, ठीक है। ये पहला फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मिशन होगा जो यूज किया जाएगा किसके लिए, स्पेस वॉक के लिए, ठीक है। दिस मिशन विल डू व्हाट, ये 700 किलोमीटर स्पेस में जाएगा, अर्थ से ऊपर जाएगा 700 किलोमीटर, और वहां पे दिस ऑल्टीट्यूड विल बी मोर देन द आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारा वो 400 किलोमीटर ऊपर है, उससे ऊपर ये 300 किलोमीटर और जाएगा, ठीक है। और वहां पे होगा क्या, अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ स्पेसएक्स। स्पेसक्राफ्ट कौन सा होगा स्पेसएक्स का, फैल्कॉन 9 रॉकेट, प्लस इसमें एक ड्रैगन कैप्सूल होगा जो यहाँ पे स्पेस में लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा, वो लोग जो नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स है, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, नॉर्मल सिटीजन्स है, इन लोगों को लेके जाएगा और उनको स्पेस की सैर कराएगा, एंड दे विल हैव देयर फर्स्ट स्पेस वॉक, ठीक है, स्पेस में वॉक करेंगे वो लोग। देयरफॉर ये लोग लेके कहाँ जाएंगे, ये लोग टच करने वाले हैं किसको, वैन एलन बेल्ट को। दिस विल ब्रीफली एंटर द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, अ रीजन जहां पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है और चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जहां हेल्थ का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उस बेल्ट तक ये लोग जाएंगे और वापस आएंगे। वैन एलन बेल्ट में अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर ट्रैप्ड है, अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर की वजह से यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप है, एंड दीज चार्ज पार्टिकल्स, दिस वैन एलन बेल्ट प्रोटेक्ट्स हमारे अर्थ के जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सन से कॉस्मिक रेज आती है सन से, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, उससे बचने के लिए अर्थ को प्रोटेक्ट कौन करता है, यही वैन एलन बेल्ट, ठीक
ठीक है। दिस बेल्ट, ये जो बेल्ट है, दिस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1958 बाय जेम्स वैन एलन, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इस बेल्ट की लोकेशन जो मैंने आपको बताई, इट्स लोकेटेड फ्रॉम 680 किलोमीटर्स टू 3000 किलोमीटर्स, इतना इसका हाइट है, इतना इसका विड्थ है, ठीक है। और ये तो रहा इसका इनर बेल्ट, इसका जो आउटर बेल्ट है दैट इज अराउंड 15,000 टू 20,000 किलोमीटर्स, ठीक है। स्पेस वॉक जो पोलारिस डॉन मिशन यहाँ करने वाला है, दिस विल एक्सपोज द क्रू टू हायर लेवल ऑफ रेडिएशन देन दोज ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा 400 किलोमीटर ऊपर है बस, ठीक है। व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्पेस वॉक, यहाँ स्पेस वॉक करना ही क्यों है? बिकॉज द मिशन विल इन्वॉल्व ऑर्बिटिंग थ्रू द वैन एलन बेल्ट, और ये एक इंटेंस रेडिएशन वाला बेल्ट है। फॉर एस्ट्रोनॉट्स दे टिपिकली अवॉइड दिस बेल्ट, बट यहाँ पे इस बेल्ट में ये लोग, इन लोगों को क्यों लेके जा रहे हैं स्पेस वॉक के लिए? बिकॉज दे वॉन्ट टू टेस्ट द न्यू स्पेस सूट्स, ठीक है। जो नए स्पेस सूट्स बनाए गए हैं, फोर एस्ट्रोनॉट्स जो यहाँ पे जा रहे हैं, जिनकी यहाँ बात भी क्या की जा रही है इन स्पेस सूट्स की, दैट ये स्पेस सूट्स बहुत ही ज्यादा स्लिम है, फिट होते हैं एक इंसान के ऊपर, और वो पहन के ये लोग ऊपर जा रहे हैं कहाँ पे, स्पेस में, ठीक है। तो दिस वॉज स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन। इसमें कुछ और चीजें भी याद रखनी है, दैट इस क्रू को जो लीड करने वाला है, इट इज शिफ्ट फोर पेमेंट के सीईओ, जिनका नाम है जैरड आइजक मैन, वो इस मिशन को लीड करने वाले हैं। ये मिशन डीप स्पेस में जाएगा, पीक आल्टीट्यूड जो इसका होगा वो 1400 किलोमीटर्स का होगा, प्लस स्पेस एक्स का जो एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी है यहाँ पे, वो सूट इनको पहनाया जाएगा, उसी सूट को टेस्ट करने के लिए ये वैन एलन बेल्ट में जा रहे हैं। ये स्पेस मिशन ऑलरेडी यहाँ से लॉन्च हो चुका है, और इन्होंने 0G ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया। व्हाट इज 0G? जहां पे इनको जीरो ग्रेविटी फील होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, डन। चलो आगे, यहाँ पे तीन ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे मैं आपको चाहता हूं कि आप, जो मैंने आपको पहले दिन ही बोला है कि आप प्लेसेस इन न्यूज का एक लिस्ट बनाते जाओ, उस प्लेसेस इन न्यूज के लिस्ट में आप ये चीज, सारी चीजें आप ऐड करोगे। जैसे सबसे पहला टाउन है हमारा क्रेस्नो गोरिफ का, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में लोकेटेड है। इस टाउन में तीन विलेजेस हैं, विलेजेस उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका नाम है, एक है गिरगो कोरिफ का, दूसरा है गैलिन तिसनिफ का, एंड तीसरा है वोदियान। ये तीन ऐसे रीजन्स हैं, तीन ऐसे विलेजेस हैं। विलेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रेस्नो गोरिफ का याद रखना जरूरी है। इसके साथ रशिया ने दोनेस्क रीजन को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है, रशिया के अंदर ही है ये। ये भी रीजन कहाँ पे है? यूक्रेन में। ये रीजन हमने इससे पहले भी न्यूज़ में बहुत बार देखा है, दोनेस्क रीजन। और तीसरा है द फॉल ऑफ मरिनका एंड अदिफ का, ठीक है। मरिनका एंड अदिफ का, ये दोनों रीजन्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये भी अपने नोट्स में लिख लेना, प्लस पॉडकास्ट और पोक्रोव्स्क, ठीक है। ये जो रीजन है ये भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये सारे रीजन्स आप अपने लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन न्यूज में लिख लो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम मंथ एंड पे डिस्कशन करते हैं, तो जितना भी आज तक का न्यूज आर्टिकल्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी प्लेसेज इन न्यूज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, देर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पैनल्स ऑन ईस्टर्न चाइनाज शेडोंग प्रोविंस, ठीक है। और यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है
बिंझाओ, बिंझाओ ईस्टर्न चाइना में एक लोकेशन है, वहां पे सोलर पैनल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सोलर पैनल्स बिछाई जा रही है समंदर के ऊपर, ठीक है, ऑन द सी। और ये भी लोकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना अपने नोट्स में रख लेना। लास्ट में पहले पेज पे ही था ये खान यूनिस वाला रीजन। ये खान यूनिस वाला रीजन कहाँ पे है? ये गाजा के अंदर है और यहाँ पे अल मवासी एक पर्टिकुलर रीजन है, एक प्लेस है जहाँ पे अभी रिसेंटली हमला हुआ है। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, खान यूनिस रीजन में अल मवासी एक जगह है जो कि गाजा में पड़ती है, बस इतना ही याद रखना है और अपने नोट्स में इसको लिखते जाना है गाजा के हेडिंग के अंदर, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्लेसेस लिख रखी है, ठीक है। चलो, विद दिस आई कंक्लूड द डिस्कशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर विद मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डे अहेड।